इतने बजे शुरू होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला। इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे कप्तान संजू सैमसन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हो रही 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। पहले मुकाबले के लिए कप्तान संजू सैमसन ने प्लेइंग 11 भी घोषित कर दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इन सभी मुकाबलों को आप किस प्रकार से लाइव देख सकेंगे, साथ ही क्या है टीम इंडिया की पूरी स्क्वाड और क्या रहने वाली है प्लेइंग 11। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते हैं कि संजू सैमसन की कप्तानी में टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस करे। तो दोस्तों, फिलहाल देखा जाए तो भारतीय टीम की यह स्क्वाड काफ़ी मजबूत है। इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच होने वाले इन मुकाबलों के लिए भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन के हाथों में कमान सौंपी गई है, जबकि टीम में कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिला है जो भारतीय टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं टीम इंडिया की पूरी स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं बल्लेबाजों की। तो टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन इस टीम के कप्तान हैं, जबकि वॉइस कैप्टन पृथ्वी शॉ हैं। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी अभिमन्यु ईश्वरन हैं, तो चौथे खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ हैं, पांचवें खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी हैं, तो छठे खिलाड़ी रजत पाटीदार हैं, जबकि सातवें खिलाड़ी के तौर पर श्री कर भारत मौजूद हैं, तो आठवें खिलाड़ी शाहबाज अहमद हैं, वहीं पर नौवें खिलाड़ी के तौर पर कुलदीप यादव है, तो दसवें खिलाड़ी राहुल चहर हैं, जबकि 11वें खिलाड़ी के तौर पर तिलक वर्मा है, तो 12वें खिलाड़ी कुलदीप सेन है, वहीं पर 13वें खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर है, तो 14वें खिलाड़ी उमरान मलिक है, जबकि 15वें खिलाड़ी नवदीप सैनी है। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो टीम इंडिया की स्क्वाड काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, और ये स्क्वाड कमाल करने वाली है टीम इंडिया की तरफ से। 3 मुकाबलों की इस सीरीज के लिए संजू सैमसन के साथ साथ भारतीय टीम की तरफ से पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाजों के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर ये न्यूजीलैंड ए के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए इन खिलाड़ियों को चुना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजी में भी यहाँ पर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए यह सीरीज काफ़ी शानदार मौका है। उन खिलाड़ियों की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा नाम आता है कुलदीप यादव का, और साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक और नवदीप सैनी, ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर गेंदबाजी में टीम इंडिया के लिए शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उमरान मलिक टीम इंडिया के लिए पहले भी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन वो सब परफॉर्मेंस उनके द्वारा हुआ नहीं है, तो ये सीरीज़ इनके लिए काफ़ी शानदार मौका बनकर आई है। जबकि नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप सेन जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं, जबकि तिलक वर्मा जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर का रोल निभा सकते हैं, वो भी यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, अब हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ और पृथ्वी शॉ, दो बेहतरीन खिलाड़ी यहां पर टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। जबकि दोस्तों, नंबर 3 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे राहुल त्रिपाठी, यह भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं नंबर 3 पर। जबकि नंबर 4 पर कप्तान संजू सैमसन खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 5 पर रजत पाटीदार उतरेंगे। वहीं पर दोस्तों, नंबर 6 पर हमें श्रीकर भारत खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 7 पर तिलक वर्मा खेलते हुए दिखेंगे। वहीं पर नंबर 8 पर शाहबाज अहमद उतरेंगे, तो नंबर 9 पर कुलदीप यादव उतरने वाले हैं। जबकि नंबर 10 पर शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 11 पर उमरान मलिक को मौका मिलने वाला है। यानी कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 देख के तो इस समय काफ़ी शानदार नज़र आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन मुकाबलों को आप कितनी बजे और किस प्रकार से लाइव देख सकेंगे। तो दोस्तों, ये मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह के 10 बजे शुरू होंगे। ये मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई में, जिसे आप लाइव देख सकेंगे स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार पर। तो दोस्तों, आप इस मुकाबले को 22 सितंबर को लाइव देख सकते हैं। तो क्या लगता है, संजू सैमसन की कप्तानी में टीम इंडिया कमाल कर पाएगी, या फिर कौन सा युवा खिलाड़ी भारतीय टीम की तरफ से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।